पौड़ी जिले के विकास खंड खीरसू के भैंसवाड़ा गांव में दो शख्स पर भालू ने हमला कर दिया। ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। दोनों में से काफी जख्मी स्थिति में है। जानकारी के मुताबिक भैंसवाड़ा गांव निवासी अनूप सिंह और आलम सिंह मवेशियों के लिए चारा लेने गांव के पास ही जंगल में गए थे। गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर भालू ने उन पर हमला कर दिया। भालू के हमले में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए, जहां उनके द्वारा शोर मचाने के बाद उनकी चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों द्वारा भालू को भगा दिया गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा निजी वाहन के माध्यम से दोनों घायलों को उसके बाद जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। प्राथमिक उपचार और मरहम पट्टी करने के बाद अनूप सिंह, जो कि गंभीर रूप से घायल है, उसे रेफर कर दिया गया। वन विभाग के लिए तो सभी जगह सूचना भेज दी, अभी तक वहाँ से भी कोई सूचना नहीं आई उनकी। और यहाँ पर हॉस्पिटल के कर्मचारी जो भी आप लगे हुआ वो अपने उसमें लगे हुए। अच्छा, तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है? ये ट्रीटमेंट अभी ठीक ही चल रहा है उनका, उन्होंने फटाफट जो भी अपना उनको जो क्या स्थिति है यहाँ पे उनके स्थिति ये कि तो खतरे से वो है, एक तो यहाँ से रेफर करके बाहर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये क्षेत्र धनसिंह रावत की विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ धनसिंह रावत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि घायलों को लाने के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं थी। घायल के परिजन 5,000 देकर निजी वाहन से उनको अस्पताल लेकर गए, वहीं वन विभाग के कोई भी कर्मचारी नहीं पहुँचे। पौड़ी से भगवान सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।